सांझ को लगता है कि वो पागल हो गई है और समय पर बेवजह शक कर रही है। वो वंदना आंटी को कहती है कि वो समय से शादी करने के लिए तैयार है, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर है। सांझ पूरे परिवार के साथ अपने पिता की अस्थि विसर्जन के लिए जाती है और इस प्रोसेस के दौरान एक फिरंगी सांझ को माया कहकर बुलाता है। जब सांझ उसे ये पूछती है कि वो क्या बोल रहा है, तो वो समय की तरफ इशारा करता है और कहता है कि आपके फियांसे के बैक पर जो टैटू है वो आपके नाम का ही है ना। सांझ ये देखकर चौंक जाती है कि उस टैटू पर माया का नाम है और इससे पहले सांझ ने उसे कभी शर्टलेस नहीं देखा था। सांझ के पैरों तले जमीन निकल जाएगी और उसे ये भरोसा हो जाएगा कि वो समय और माया के बारे में जो सोच रही थी वो गलत नहीं है। और अब माया धीरे धीरे इस बात को डीपली जानने की कोशिश करेगी कि दोनों के बीच कैसा रिश्ता है और अब कहानी में आएंगे ढेर सारे मोड़। समय माया को ब्लैकमेल करके उसे फिजिकल होने की कोशिश में है, लेकिन माया उसके सामने मजबूर है क्योंकि समय कभी भी अर्जुन के सामने उसकी पोल खोल सकता है। वेल, शॉकिंग सांझ के लिए सब कुछ शॉकिंग है, पर अब वो एक फाइनल कंक्लूजन पर पहुंच गई है।